ऑल राइट, तो आप एकदम सही थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज मैं आपको जो टिप्स बताने वाला हूँ अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो आप दिन के 5 या $10 भी इजीली अर्न कर लोगे, वो भी बिना कुछ किए। तो बिना कुछ किए इतना अर्न कैसे किया जाता है, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो आपने लिंक शॉर्टनर का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, तो ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू लिंक्स को शॉर्ट किया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि इससे अर्निंग कैसे की जाती है। तो मान लो कि आपका एक गेमिंग चैनल है जिस पर आपने एक पबजी की वीडियो बनाई और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने पबजी की डाउनलोड लिंक भी दे दी। तो अब अगर कोई उस लिंक से पबजी को डाउनलोड करेगा तो उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, बट अगर आप पबजी की लिंक को लिंक शॉर्टनर के थ्रू शॉर्ट करके डिस्क्रिप्शन में डालोगे और जब उस लिंक से लोग उस गेम को डाउनलोड करेंगे तो इससे आपकी काफी अच्छी खासी अर्निंग होगी, जिसे आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, पेपाल और बैंक किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पर 1000 क्लिक्स के $5 दिए जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि YouTube भी 1000 व्यूज के सिर्फ $0.50 ही देता है, जो कि काफी कम होता है। और इस वेबसाइट से आप मिनिमम $3 विड्रॉ कर सकते हो। तो अब आपने इस वेबसाइट के बारे में थ्योरेटिकल तो सब कुछ जान लिया है, अब प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट की लिंक दे रखी है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करके ओपन ब्राउजर पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा और आप सीधा इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। तो इस वेबसाइट का नाम URL shortx है। अब गाइस आपको यहां से नीचे आना है और यहां पर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अकाउंट बनाने को बोला जाएगा, तो गाइस अकाउंट बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक यूजर नेम डालना है, यूजर नेम में आप अपना नाम भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी में आप कोई सी भी आप अपनी ईमेल आईडी यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड डालना है, तो गाइस पासवर्ड आप जो भी रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, जिसे आप इजीली याद रख सको। तो गाइस चलिए यहाँ पर मैं ये सब चीजें जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो यूजर नेम में मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। अब गाइस एक बात और, जब आप यहाँ पे यूजर नेम में अपना नाम डालोगे और जो भी नाम आप डालोगे अगर उस नाम से कोई भी आईडी पहले से बनी हुई है तो उसी नाम से आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पर अपने यूजर नेम में थोड़े से करेक्शन करने पड़ेंगे, लाइक आप अपने नाम के आगे 1 या 2 लगा सकते हो, जिससे कि आपका यूजर नेम यूनिक हो जाएगा और आपका अकाउंट भी इजीली क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस मैंने यूजर नेम डाल दिया है। अब गाइस मैं यहाँ पे ये सब चीजें जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो इन सब चीजों को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस कैप्चा को फिल कर देना है। तो जब आपका ये टिक हो जाएगा तो आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका अकाउंट पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं कि इससे अर्निंग कैसे करनी है। तो गाइस मान लेते हैं कि आपने प्ले स्टोर के गेम फ्री फायर पर वीडियो बनाई और अब आप उस गेम की लिंक को डिस्क्रिप्शन में डालना चाहते हो, जिससे कि लोग उस गेम को डाउनलोड कर सकें, और आप ये भी चाहते हो कि जो लोग उस गेम को डाउनलोड करें उससे आपकी अर्निंग भी हो। तो आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर फ्री फायर सर्च करना है। तो गाइस ये रहा फ्री फायर। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी फ्री फायर की लिंक कॉपी हो जाएगी। तो गाइस इसके बाद आपको फिर से उसी वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं योर URL का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्टनर पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी लिंक यहाँ पर शॉर्ट होकर आ जाएगी। अब गाइस आपको यहाँ पर उस लिंक को कॉपी कर लेना है और आपको इस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देना है, जिससे कि लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे और उन्हें एड्स भी दिखाए जाएंगे और उसी तरीके से आपके यहाँ पर अर्निंग होगी। तो गाइस जब आपके यहाँ पर $3 कम्प्लीट हो जाएंगे तो आप उस पैसे को अपने पेटीएम वगैरह किसी में भी ट्रांसफर कर पाओगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, मेरे को यहाँ पे $2 हो चुके हैं और ये $2 मुझे सिर्फ 400 क्लिक्स के मिले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो गाइस जब आपके $3 हो जाएं तो आपको उसे विड्रॉ करने के लिए आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से नीचे आकर सेटिंग्स पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। अब गाइस आपको यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना है एंड यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। आप जो भी एड्रेस यहाँ पे डालना चाहते हो उसे आपको यहाँ पे लिख देना है एंड यहाँ पे आपको अपना एड्रेस टू भी डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सिटी डालनी है एंड आपको यहाँ पे अपना स्टेट डालना है और आपको यहाँ पे अपना जिप में अपना पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री चूज करने को बोल रहा है, तो गाइस आपको यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। और अब यहाँ पर सबसे मेन चीज आ जाती है विड्रॉल मेथड, तो गाइस आपको इस पर क्लिक करना है
और अब आप यहाँ पे जो भी मेथड चूज़ करना चाहते हो उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। लाइक आप पेटीएम चूज़ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे पेटीएम पर सिलेक्ट कर लेना है। अब गाइस आप इससे ऊपर फ़ोन नंबर का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, आपको इसमें वही फ़ोन नंबर डालना है जो कि आपका पेटीएम का नंबर है। अदरवाइज आप कोई और सा नंबर डालोगे तो आपके पेटीएम में पैसे नहीं आएंगे। तो गाइस ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको यहाँ से नीचे आके सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका विड्रॉल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और फिर आपकी यहाँ पे जो अर्निंग होगी वो आपकी इसी अकाउंट में जाएगी। तो गाइस इस तरह से आप इस वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हो। तो आई होप आप बेटर तरीके से समझ गए होंगे। तो अब आप जाओ जाकर इस वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करो और अपनी अर्निंग स्टार्ट करो।